वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टास्क फोर्स की बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में कमी आई है। दिल्ली में अब सिर्फ 23 मरीज रह गए हैं। पिछले 40 घंटे में एक भी नया केस सामने नहीं आया है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। दिहाड़ी मजदूरों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। रह गए हैं दिल्ली के अंदर 30 में से, तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि पिछले 40 घंटों में एक भी नया पेशेंट नहीं आया, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी लड़ाई बहुत लंबी है, उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी ये संख्या बढ़ सकती है, कभी भी ये बुरी तरह से फैल सकता है। पिछले 24 घंटे में इटली में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका कितना डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इतने बड़े बड़े और इतने विकसित देश कोरोना को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हमें भी जितनी सतर्कता से अभी तक हमने काम किया, जितनी मुस्तैदी से हम सब लोगों ने, आपकी सरकार ने आपके साथ मिलकर काम किया, उतनी सतर्कता के साथ अपने को काम करना पड़ेगा। दूसरा, जितने मजदूर हैं दिल्ली के अंदर, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, आज हम लोगों ने तय किया है कि उन सब लोगों को हम 5,000 रुपए देंगे, ताकि इस वक्त उनकी रोजी रोटी चली गई। ये सब दिहाड़ी मजदूर थे, इनके ये रोज कमाते थे, रोज खाते थे, तो इन सब लोगों को, जितने भी दिहाड़ी मजदूर, जितने कंस्ट्रक्शन मजदूर थे, इनको सबको हम 5,000 रुपए देंगे। और जैसा मैंने बताया, नाइट शेल्टर्स की संख्या हम दिल्ली में बहुत और कई सारे सेंटर्स खोल रहे हैं, जहाँ पे खाने की अगर किसी को भी दिक्कत है तो वहाँ जाके वो खाना खा सकता है।